yes in the comment section. Good evening, everyone. Shalu, Divyani, Afreen, Shalu Kavar, Abhinav, Ekta, Madhuri, Divyani, everyone, good evening. Jesse, aapko meri awaaz pahunche, please write yes in the comment section. Am I audible? Yes, I'm fine. Madhuri, Pooja, I'm fine. How are you all? Meri awaaz pahunch rahi hai? Am I audible? Okay, so Divyani is saying, yes, sir, you are audible. Okay. So without wasting the time, let's start the class. Okay. Good evening, Payal, Sagar, Aditya, Pooja, Madhuri. Good evening, everyone. Okay. So as we all know that today we will be having a session on Sundar Lal Bahuguna and the Chipko movement. I hope you are aware of it, these two movement. So first of all, welcome to Grade Up. This is Salik. And in this video, we'll be learning about Sundar Lal Bahuguna and the Chipko movement. शायद आप लोगों को पता होगा दैट वेरी रिसेंटली ही इज अ वेरी फेमस पर्सन सुंदर लाल बहुगुना जी ही डाइड रिसेंटली ड्यू टू COVID-19 यस सो सिंस ही वॉज अ वेरी फेमस पर्सन एंड थिंग्स एसोसिएटेड लाइक चिपको मूवमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट सो यू आर सपोज टू नो द थिंग्स ठीक है सो फॉर दिस ईयर इफ यू आर अटेम्प्टिंग क्लैट 2021 दिस टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दिस टॉपिक विल कम अंडर इन्वायरमेंट And yes, they can ask questions from environment and it is, you can say, considered as a very, very important topic for this year. Okay. Yes, he died recently. Yes, I hope you are aware that a few days back, you must have read this article in The Hindu or Indian Express or any other news channel or any other newspaper. Okay. आपने ये जरूर पढ़ा होगा ये वाली आर्टिकल इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदर लाल बहुगुना पासेज अवे ड्यू टू COVID-19 ऑफ कोर्स COVID-19 की वजह से उनका देहांत हो गया सुंदर लाल बहुगुना जी का एंड दिस इज अ 21st मई आर्टिकल सो दिस गॉट पब्लिश इन द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑल दैट एंड यू नो इन्वायरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओके यस एट द एज ऑफ 94 हाँ ठीक है एज इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यस नाउ दिस वीडियो विल बी लर्निंग अबाउट सुंदर लाल बहुगुना जी द चिपको मूवमेंट एंड स्लाइटली लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चिपको मूवमेंट ठीक है थोड़ा सा हम लोग चिपको मूवमेंट जानेंगे सुंदर लाल बहुगुना जी के बारे में जानेंगे ठीक है इस सबसे चीज ठीक है यस सो सुंदर लाल बहुगुना ही वॉज बॉर्न इन 1927 जनवरी वॉज एन इंडियन गढ़वाली इन्वायरमेंटलिस्ट एंड चिपको मूवमेंट लीडर सो एक लाइन में अगर हम डिफाइन करें सो ही वॉज अ इंडियन गढ़वाली इन्वायरमेंटलिस्ट एंड चिपको मूवमेंट लीडर सो गढ़वाल इज एक्चुअली अ डिविजन इन उत्तराखंड इट इज अ डिविजन इन उत्तराखंड From where he belonged to, ठीक है गढ़वाल जो है एक डिविजन है उत्तराखंड में वहां से वो बिलोंग करते थे इसीलिए वी कॉल हिम एज गढ़वाली इन्वायरमेंटलिस्ट राइट राइट इफ यू सी इट हेयर हेयर इज इंडिया ओके एंड दिस प्लेस दिस स्टेट इज कॉल्ड एज उत्तराखंड ठीक है ओके वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू कन्वे इज दैट बिफोर 2000 I hope you are aware that Uttarakhand and Uttar Pradesh was one state, right? आपको पता होगा कि यूपी और उत्तराखंड एक स्टेट था and in 2000 it got, you can say, broken into Uttarakhand and Uttar Pradesh. ठीक है सर इसीलिए when he was born in Uttar Pradesh, ऐसा कह सकते हैं ठीक है तो हम लोग उस टाइम उत्तर प्रदेश था यूनाइटेड ये हो गया है उत्तराखंड ठीक है Now. So Uttarakhand is famous for what? Uttarakhand is famous for hills, right? Hills and mountains and tourist places, right? And Uttarakhand is divided into two divisions. Division matlab hota hai, it is more, I can say, larger than a district and a smaller than a state. Theek hai? So Uttarakhand is divided into two divisions. The west one is called as Garhwal division. Theek hai? Isko kehte hum log Garhwal. And the eastern one is called as Kumaon division. ठीक है सो ही वॉज बॉर्न इन एक्चुअली गढ़वाल डिविजन हेयर इन तेहरी ठीक है ना यहां पर कहीं पर ओके दैट इज वाई ही इज समटाइम्स कॉल्ड एज गढ़वाली इन्वायरमेंटलिस्ट बिकॉज ही बिलोंग टू गढ़वाल ठीक है नाउ लेट्स टॉक फर्दर सो दिस इज ऑल अबाउट हिम ही फॉट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन द हिमालयाज फर्स्ट एज अ मेंबर ऑफ चिपको मूवमेंट इन द 1970s एंड लेटर स्पीयर हेडेड द एंटी तेहरी डैम मूवमेंट फ्रॉम 1980s टू Early 2004. So, कहा ये जा रहा है कि ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए हिमालय में फाइट किया था उन्होंने पहले क्या चिपको मूवमेंट के एज अ लीडर और ये मेंबर कह सकते हो चिपको मूवमेंट के 1970s में
और एंटी तेहरी डैम मूवमेंट. सो तेहरी इज अ डैम इन उत्तराखंड, आई होप यू आर अवेयर. सो उसके खिलाफ जब वो डैम बन रहा था, व्हेन दैट डैम वाज बीइंग बिल्ट, ही वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट डैम बिकॉज ही वांटेड दैट डैम शुड नॉट बी बिल्ट बिकॉज इट विल कॉज इन्वायरमेंटल डैमेज. ठीक है. सो 1980 से 2004 के बीच वो उन्होंने तेहरी डैम के अगेंस्ट भी मूवमेंट चलाया ताकि तेहरी डैम ना बने, उससे इन्वायरमेंट पर बहुत असर पड़ेगा. ठीक है सर. यस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हिज अर्ली लाइफ, सुंदर लाल बहुगुणा वॉज बॉर्न इन विलेज मरोदा इन तेहरी इन उत्तराखंड. ठीक है. सो मैंने दिखा दिया यहाँ पे, इफ यू सी इट केयरफुली, दिस इज गढ़वाल डिविजन एंड हेयर इज तेहरी फ्रॉम वेयर ही बिलोंग टू. ठीक है. नाउ ऑन जनवरी 9, 1927, अर्लियर ऑन ही फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. ओके. सो उन्होंने छोटे ही में, मतलब वेन ही वॉज यंग, he fought against untouchability, यानी भेदभाव या छुआछूत के खिलाफ उन्होंने फाइट किया, and later started organizing hill women in his anti-liquor drive from 1965 to 1970. ठीक है. तो उन्होंने environmentalist होने से पहले ही वो untouchability के खिलाफ भी लड़ चुके थे. ठीक है. और क्या किया था उन्होंने, anti-liquor drive, यानी शराब बंदी हो या शराब लोग ना पिए, सो वो उनको सपोर्टेड बाई हिल वोमेन. हिल मतलब ही बिलोंग टू हिल बिकॉज उत्तराखंड में पूरे हिल एरियाज हैं. ठीक है. सो जो हिल के जो महिलाएं थे उन लोगों के सपोर्ट के साथ सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक एंटी लिकर ड्राइव भी शुरू किया था. ओके. बिफोर बींग एन एनवायरमेंटलिस्ट ही फॉट फॉर अनटचेबिलिटी एंड एंटी लिकर. सो ही फॉट फॉर अ सोशल कॉज ऑल्सो. ठीक है. एक तो इन्वायरमेंटल कॉज के लिए लड़ा प्लस सोशल कॉज के लिए लड़ा. ओके. राइट. इज इट क्लियर? यस. नहीं, विलेज नहीं पूछेंगे आदित्य, कम से कम सिटी यू शुड बी नोइंग इट, विलेज तो नहीं पूछेंगे. नाउ लेटर ऑन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉल्ड एज चिपको मूवमेंट. सो व्हाट इज चिपको मूवमेंट? नो, आइडिया इज वेरी सिंपल. यू कैन सी हियर, दिस इज इमेज, यू कैन सी दिस इज जस्ट एन रिप्रेजेंटेशनल इमेज. द आइडिया इज इफ समबडी, लेट्स से इफ अ गवर्नमेंट पीपल हैव कम एंड कटिंग द फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. सो व्हाट पीपल डू इज दे गो एंड दे हग द ट्री. So when people hug the tree, and if the officials are cutting the tree, they will also get cut, and they will die. So it will be a murder. आप समझ रहे हो ना? अगर कोई officials आए वो पेड़ काट रहे हैं और लोग जाकर के ना पेड़ पैसे गले लग जाते थे. सो जब पेड़ से गले लग जाते तो क्या होता था? तो काटेगा नहीं कोई, इसलिए काटेगा तो आदमी भी मर जाएगा, तो फिर तो मर्डर हो जाएगा. सो दैट इज वाई दिस वॉज अ मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड इन 1974 स्पॉन्टेनियसली इन उत्तर प्रदेश. देखो यहाँ पर उत्तराखंड नहीं मैंशन है. आई टोल्ड यू दैट बिफोर 2000 उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड वॉज वन स्टेट कॉल्ड एज उत्तर प्रदेश. बोथ गॉट यू कैन से ब्रोकन इन 2000. मैं बता दियो. सो ये चिपको मूवमेंट जो था वो मार्च 1974 में एक अचानक एक मूवमेंट निकल गया उत्तर प्रदेश में इन एन एफर्ट टू सेव एरियाज ट्रीज एंड फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग फॉरेस्ट कंट्रैक्टर फॉर्म कटिंग बाई फॉरेस्ट कंट्रैक्टर. जो फॉरेस्ट के कंट्रैक्टर थे जो आकर के पेड़ काटते थे उनको रोकने के लिए इन लोगों ने वहां पे गांव के लोगों ने आकर के मूवमेंट लगाया. उसमें क्या करना था कि जाके बस गले लिख जाना था. दैट इज कॉल्ड हगिंग मीन्स चिपको मीन्स टू हग इन हिंदी व्हाट वी कॉल. ठीक है. सो दिस मूवमेंट वॉज स्पीयर हेडेड बाय हिम. ठीक है ना, यानी उसमें वो लीडर थे. एंड यू नो द आइडिया वॉज इन जनवरी 1974 द टिपिंग पॉइंट केम व्हेन गवर्नमेंट ऑन जनवरी अनाउंस द ऑक्शन ऑफ 2500 ट्रीज ओवर लुकिंग द अलकनंदा रिवर. So, Alaknanda is a very famous river in Uttarakhand. Let me show you because it is important. Dekho, this entire region is in Uttarakhand. Theek hai? This is very important. Please remember it. Isme bahut sare GK question hai, jo aapko answer ho jayenge. Okay. If you see it carefully, this is a river called as Bhagirathi. Bhagirathi. And this blue one, the blue river is called as Alaknanda. Theek hai? And the Bhagirathi and Alaknanda meet at Devprayag to form Ganga. This is a very, very important question for GK, static GK. Bhagirathi ek river hai aur ek Alaknanda river hai. Dono milti hai, phir wo Ganga river banti hai. Aur kahan milti hai? Devprayag mein. Ye pura jo jagah hai, wo kahan baat kar rahe hai hum log? Uttarakhand mein. Is it clear, sir? Jabo yahan par Kedarnath hai, Bangotri hai, Badrinath. Is it clear? Yes, sir. Okay, please guys, like the session. Share with the people and subscribe to the channel also, right? Okay, so this is the case. So in this river, so are you seeing this? This the blue one is Alaknanda River. So somewhere here the trees are being cut.
सो अलकनंदा रिवर के आसपास पेड़ काटा जा रहा था 1974 में, एंड अलकनंदा रिवर इज राइट नाउ इन उत्तराखंड, सो अर्लियर इट वॉज यूपी ओनली, ठीक है, पहले वो यूपी था, अब चूंकि अलग हो गया तो अब हम लोग उत्तराखंड कहते हैं कि अलकनंदा रिवर उत्तराखंड में था, ठीक है सर। नाउ मार्च व्हेन द लंबरबैक्स अराइव्ड, अ गर्ल हु सॉ देम फोर्स्ड द विलेज हेड्स, वुमेन इन लार्ज ग्रुप्स केम आउट एंड स्टॉप द लंबरमैन बाय हगिंग द ट्रीज डिस्पाइट बीइंग थ्रेटन्ड। सो लंबरमैन मींस दोज मेन हु आर कटिंग द ट्रीज, ठीक है। सो एक लड़की ने देखा, गांव वालों को अनाउंस कर दिया कि देखिए एक पेड़ काटने वाला आया है, सरकार की तरफ से भेजा गया और वो काट रहा पेड़। सो लोग जाकर के गले लग गए, और इस मूवमेंट को जो पॉपुलराइज किया था बाद में, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। ही फॉलोड गांधीयन फिलॉसफी ऑफ पीसफुल रेसिस्टेंस। देखो दिस इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, राइट, यू आर नॉट ओपनिंग फायर, यू आर नॉट फाइटिंग द गवर्नमेंट विद एनी फायर, व्हाट यू आर डूइंग इज जस्ट गोइंग एंड हगिंग इट। So this is called as Gandhian method of peaceful resistance, and that is why he is called as Gandhian activist. His name is Sundar Lal Bahuguna ji. He gave a direction to this movement. So jo chipku movement hai, is movement ko unhone ek tarah se head kiya ya lead kiya aur usko direction diya. Okay, and because of which he appealed to the Indira Gandhi also, who was the prime minister at that time, and because of which Indira Gandhi put a 15-year ban on chopping of green trees in 1980s. जो जो हरा हरी ट्रीज है उसको 15 साल तक, 1980 से 15 साल तक आप काट नहीं सकते हैं, इसके लिए बैन कर दिया इंदिरा गांधी ने, एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी की मूवमेंट, यू कैन से लीडरशिप की वजह से दिस हैपेंड। ओके, नाउ अदर फेमस वुमेन हु पार्टिसिपेटेड इन दिस चिपको मूवमेंट आर गौरा देवी, सुरक्षा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी एंड विरुष्का देवी। ये लोग भी जो है वो महिला थी, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था उस मूवमेंट में, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द नेम ऑफ दीज लेडीज, ठीक है, क्लियर है सर? यस। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चिपको मूवमेंट, वी शुड ऑल्सो बी नोइंग लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। अगर सर हम लोग चिपको मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग को उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। सो वी सेड दैट चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन 1974, हमने कहा, I mean in hardly 40 years back, but yes, there was one more Chipko movement which happened almost 300-400 years back, ठीक है, एक Chipko movement 300-400 साल पहले भी हुआ था, इसलिए हम लोग को वो भी जानना जरूरी है, because it is in news, so it may be asked, ठीक है, and this is considered as the first Chipko movement, और ये कहा जाता है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा and other people have copied from them, या उन्हीं से सीखा है, ठीक है, what happened was we are talking about 1730, so it is almost we are talking about 300 or 400 years back, a royal party of Giridhar Bhandari, a minister of Maharaja of Marwar, to aapko naam nahi yaad rakhna iska, thus you have to remember it that this is Rajasthan, theek hai, and here is a place called as Khejarli, in this village a king sent his men to cut the trees, and what were the Khejri tree, so Khejri is considered as a very sacred tree of the villages, sacred means holy village, a holy tree। हुआ ये कि जो राजा के लोगों को भेजा, राजा ने अपने लोगों को भेजा पेड़ काटने के लिए खेजरी ट्री को, और जो वहां पे गांव के लोग थे, बिश्नोई लोग, बिश्नोई ट्राइब है, इट इज इन राजस्थान, दे प्रोटेस्टेड इट बिकॉज दे कंसिडर्ड इज एट सैक्रेड एंड होली, दिस खेजरी ट्री दे कंसिडर्ड इट एज होली एंड सैक्रेड, एंड दैट इज वाई दे सेड कि नो वी विल नॉट अलाउ दिस टू कट एंड वी विल हग द ट्री, ठीक है। वाई दे वेर सेंट टू बिल्ड अ न्यू पैलेस फॉर द किंग, यानी राजा के लिए नया पैलेस बनाना था, उसमें लकड़ी की जरूरत थी, इसीलिए राजा ने अपने लोगों को भेजा पेड़ काटने के लिए और खेजरी ट्री, और वहां पर एक कम्युनिटी थी बिश्नोई कम्युनिटी, ठीक है, उनको ये बात पसंद नहीं आई, एंड व्हाट दे डिड वाज दे वेंट एंड हग दोस ट्री। उसमें जो लीडर थी महिला, हर नेम वॉज अमृता देवी बिश्नोई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट बिकॉज दीज थिंग्स आर इन न्यूज, चिपको मूवमेंट न्यूज में, इसलिए सवाल पूछा जा सकता है सर, ठीक है, राइट। नाउ What happened was Amrita Devi Bishnoi, we are talking about 1730s, ठीक है, she along with her three daughters Asu, Ratni and Bhagu were killed by that party. क्या हुआ कि वो लोग जाकर गले लग गई, and they thought कि they will not cut us, ठीक है ना, but what they did was they were you can say inhuman and they cut the tree and the people also died, ठीक है। ऐसे कहा जाता है कि लोग Amrita Devi Bishnoi और उनकी तीनों बेटियां का भी death हो गया था, इसलिए कि जो राजा के लोग थे उन्होंने पेड़ काट दिया था, दिस इज व्हाट इट इज सेड, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। व्हाई आई एम सेइंग सो बिकॉज यू नो अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड इज आल्सो देयर, एंड यू नो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड,
ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जाता है, सो यू हैव टू आंसर इट फॉर डूइंग एन एग्जाम्पलरी वर्क इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कह सकते हो या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है, अगर ऐसा सवाल आए तो प्लीज आंसर इट। व्हाई आई एम टीचिंग दीज थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स आर इन न्यूज, चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब चीज न्यूज में। सो ये पूछ सकते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, सो यू कैन आंसर इट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या इन्वायरमेंट। क्लियर है? यस, दिस इज इन न्यूज ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट, आई ऑलवेज डिस्कस इंपॉर्टेंट थिंग। यस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, यस सर, नाउ नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंटी तहरी डैम मूवमेंट ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेंगे सुंदरलाल बहुगुणा जी का एंटी तहरी डैम मूवमेंट। सो तहरी डैम इज अ डैम इन उत्तराखंड एंड दिस इज द इमेज। ओके, इट इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, प्लीज रिमेंबर इट। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ जीके क्वेश्चन, विच इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, द आंसर इज तहरी डैम। टॉलेस्ट की बात करें, लार्ज साइज में नहीं, हाइट में, टॉलेस्ट डैम। ठीक है, इट इज अ मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फिल एम्बैकमेंट इन भागीरथी रिवर नियर तेहरी इन उत्तराखंड, कंप्लीटेड फेज वन कंप्लीटेड इन 2006। We have talked about Bhagirathi. Okay, share, see here. This is Bhagirathi. This or blue one is Alaknanda. Bhagirathi and Alaknanda meet at Devprayag to form Ganga. Please remember it. This is a very important static GK question. ठीक है, so Bhagirathi पर Tehri Dam located है. Tehri Dam is on this river. ठीक है, clear है? From on the near Tehri. ठीक है, तो Tehri इस पर Bhagirathi river पर है. Okay, yes, this is Uttarakhand. And if this is Uttarakhand, this is Tehri Dam. ठीक है? Okay, clear sir? Now, yes, this was a very famous, you can say, image, perhaps written by Sundarlal Bahuguna or his friends. Bandh nahi chahiye, bandh pahad ka vinash hai. We don't want dam because dam leads to destruction of Himalayas or mountains. This is a very famous poster actually regarding it. So he remained behind the anti-Tehri Dam protest for decades. He used satyagraha methods like hunger strike etc. So उन्होंने भूख हड़ताल किया, ये गांधी जी का सत्याग्रह मेथड था। किसकी बात कर रहे हैं? सुंदरलाल बहुगुणा की। ठीक है सर, एट द बैंक्स ऑफ भागीरथी, मैंने बताया कि इट इज ऑन द भागीरथी रिवर तेहरी डैम। ठीक है, सो उन्होंने 1995 में ही कॉल्ड ऑफ अ 1995 45 डे लॉन्ग फास्ट फॉलोइंग एन अश्योरेंस फ्रॉम नरसिम्हा राव आफ्टर एन अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यू कमिटी। ठीक है, सो उन्होंने 45 दिन का फास्ट भूख हड़ताल किया, फिर बाद में नरसिम्हा राव जी ने अश्योरेंस दे दिया कि हम लोग एक रिव्यू कमिटी बना रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें इन्वायरमेंट का कोई इंपैक्ट तो नहीं है। लेटर ऑन ही डिड अनदर फास्ट फॉर 74 डेज व्हेन एचडी देवेगौड़ा वाज प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने फिर से एक फास्ट किया, भूख हड़ताल किया 74 दिन के लिए फॉर दिस प्रोटेस्ट। ओके, एंड डिस्पाइट हैविंग अ कोर्ट केस इन सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल दैट, यू नो, वर्क रिज्यूम्ड इन तेहरी डैम इन 2001 एंड ही वाज अरेस्टेड इन 2001। सो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, सब कुछ हुआ, उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की, लेकिन तो भी तेहरी डैम बना, 2001 में बनना शुरू हो गया और उनकी गिरफ्तारी हो गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, लेटर ऑन ही वाज शिफ्टेड टू द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड देहरादून एंड वाज लिविंग देयर विद हिज वाइफ। तो उनको हटा दिया गया, अरेस्ट किया गया, फिर बाद में अलग जगह ले जाया गया, उनको कैपिटल में जाकर के रख दिया गया। मतलब यू नो तेहरी डैम गॉट बिल्ट एक्चुअली, सो ही वाज नॉट, आई मीन 100% सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग दैट अनफॉर्चुनेटली। ओके, सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट थिंग्स अबाउट सुंदरलाल बहुगुणा जी, चिपको मूवमेंट एंड एंटी तेहरी डैम। Remember it, it is a very important topic because it is in news. Yes, like the session, share with the people and subscribe to the channel. One more thing I want to convey is Down to Earth is a very famous environment magazine. And in fact, if you see the CLAT 2020 paper, okay, as far as I remember, they asked 2 or 3 passages from this magazine. Okay, pichle saal 2 ya 3 passages jo hai wo Down to Earth se pucha tha. And Down to Earth is an environment magazine. Okay. And that is why I have taken an article from that. And it says, veteran environmentalist Sundarlal Bahuguna dies of COVID-19. And the passage says, veteran environmentalist and architect. Architect hota hai jo banane wala. Chipko movement Sundarlal Bahuguna died May 21, 2021. PTI reported. Theek hai. He had been shifted to AIIMS Rishikesh in Uttarakhand after having contracted COVID-19. So unko shift kar diya gaya tha AIIMS Rishikesh mein, jabki unko COVID-19 ho gaya tha.
Bahuguna was one of the leader of Chipko movement fighting for the preservation of forest in Himalayas. So Chipko means to embrace or hug. ठीक है ना, जाके गले मिल जो, है ना? And this vast movement was a decentralized one with many leaders usually being village women. एक decentralized movement था. Decentralized means there was no any not limited to few people. Decentralized means it was in the village areas among the very people. ठीक है ना, उसको तो decentralized होना. And mostly village women were supportive of सुंदरलाल बहुगुणा जी कॉस्ट ये प्रोटेस्ट ऑफ चिपको मूवमेंट. ठीक है सर. ओके नाउ ऑफन दे वुड चेन देमसेल्फ टू ट्रीज सो दैट लॉगर्स कुड नॉट कट डाउन फॉरेस्ट. हम लोग क्या कहते हैं, जाके गले लग जाते थे और आपस में चेन से बांध भी देते थे अपने आप को. ठीक है, सो वट पीपल यूज टू डू वॉज दे यूज टू हग द ट्री एंड देन चेन देमसेल्फ विद द फॉरेस्ट विद द ट्री सो दैट नो वन कैन कट दैट चेन. These actions slowed down the destruction, but more importantly, brought deforestation to the public attention. ठीक है, destruction तो कम किया गया और ये media में, public में बात आई कि हाँ जरूरी है कि हम लोग को deforestation को रोका जाए. From 1981 to 83, सुंदरलाल बहुगुणा led a 5,000 kilometer march across Himalayas, ending with a meeting of late Indira Gandhi, who then passed legislation to protect some areas of Himalayan forest from tree felling. This we have discussed it. 5,000 किलोमीटर लंबा उन्होंने एक पदयात्रा की थी जिसमें बाद में जाके इंदिरा गांधी से मिला, प्रोटेस्ट किया, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है हम 15 साल के लिए जो हरा ट्रीज है जो हिमालय में काटने को हम रोक देंगे. राइट, इट इज क्लियर. नाउ सुंदरलाल बहुगुणा वॉज अ लीडर इन द मूवमेंट टू अपोज तेहरी डैम प्रोजेक्ट एंड इन डिफेंडिंग इंडियाज रिवर. ठीक है, तो उन्होंने अपोज किया था तेहरी डैम का. ठीक है ना, इसलिए कि इंडिया के रिवर को उस पर नुकसान होगा. He also worked for women's right and rights of the poor. ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि एंटी लिकर कैंपेन एंड एंटीजिबिलिटी के खिलाफ भी उन्होंने फाइट किया था. एंड ही वॉज अ गांधीयन मेकिंग यूज ऑफ नॉन वायलेंस पीसफुल रेसिस्टेंस, यानी बिना खून खराबा किए पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते थे. द चिपको मूवमेंट रिसीव्ड 1987 राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ऑल्सो रिफर टू एज अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज. ये याद रखिएगा कि चिपको मूवमेंट को 1987 राइट लाइवलीहुड अवार्ड भी मिला था जिसको हम लोग अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहते हैं, फॉर इट्स डेडिकेशन टू कंजर्वेशन रेस्टोरेशन एंड इकोलॉजिकल साउंड यूज ऑफ इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेज. प्लीज प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो में जो जो चीज बताएं, इफ यू हैव मिस्ड एनी पोर्शन आफ्टर द वीडियो इज पुट ऑन यूट्यूब वॉच इट अगेन. ये वाले इंपॉर्टेंट है, 2021 के लिए जो अटेम्प्ट ले रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Please, please do not skip any of the aspect. And that is why I am explaining it in a slow way. हम धीरे धीरे करके इसीलिए बता रहे हैं, इसलिए कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, यस सर. एंड द क्वेश्चंस, द फाइव क्वेश्चंस दैट आई हैव पुट हियर, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ऑल द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट दैट आई हैव पुट इट हियर एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद एनवायरमेंट. ठीक है, Your options are Kyoto Protocol, Paris Agreement, Earth Summit, Paris Principle. आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि कौन सा environment से related agreement नहीं है, Kyoto Protocol, Paris Agreement, Earth Summit, Paris Principle. Yes, anybody? And Madhuri, Siddharth, Uttam, Afreen, Bharti, you all are right. Okay, can anybody write in the comment section what is Paris Principle? कोई बंदा ये बता सकता है? यस, आफरीन इज राइट, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस. डी पक्का, यस, वेरी गुड वेरी गुड. निकिता कुमारी, अंजलि, रईस, जानवी, यू ऑल आर राइट. श्री पवार, सागर, रईस, सब सही हो, सही हो, डी सब सही हो. यस, सो क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू 1997 में एक देर वॉज एन अग्रीमेंट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट. आई कैनॉट एक्सप्लेन दिस क्लास बिकॉज द वीडियो विल बिकम लॉन्गर. एंड द पेरिस एग्रीमेंट इज फेमसली इन 2015, दिस इज वेरी फेमस. Earth Summit is related to 1992 Rio Summit. Please remember, go and read more about these things. Paris Principle is related to what? It is related to human rights. Okay, so this was fine. Yes, now NHRC, yes, Trisha, smile forever. Yes, right, human rights are related. Yes, the next question is the question number two, which says Which of the following deals with the protection of ozone layer? Your options are Nagoya Protocol, Montreal Protocol, Earth Summit, or Paris Principle. I hope you are aware of ozone layer. This layer protects us from ultraviolet rays.
ठीक है, यूवी रे से आपको बचाता है ओजोन लेयर, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रीटी या एग्रीमेंट जो है वो इससे रिलेटेड है, नागोया प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अर्थ समिट या पेरिस प्रिंसिपल। हाँ यस, आप लोग ने ह्यूमन राइट्स सही जवाब दिया था, वो पेरिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। ओके यस, पीपल राइटिंग बी पक्का, एंड यस मेनी पीपल आफरीन, यस राइट, आदिति, उत्तम, जानवी, निकिता, खुशी ठाकुर, राइस वाल, यू ऑल आर राइट, पायल मोर, आप लोग सब सही हो जिन्होंने बी आंसर किया राइट है। इट इज अ ट्रीटी रिगार्डिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन, सो उसमें बहुत सारे चीज था कि यू हैव टू स्टॉप यूजिंग क्लोरो फ्लोरो कार्बन एंड ऑल दैट, बिकॉज क्लोरो फ्लोरो कार्बन हार्म्स ओजोन लेयर, राइट। सो प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिस इज फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एंड दिस इज अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ठीक है, टू रिड्यूस और टू स्टॉप द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। Now, the next question is about United Nations Environment Program, because I have discussed here. So you have to tell where is the headquarter of United Nations Environment Program. Your options are New York, Washington DC, Nairobi, or Geneva. आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि United Nations Environment Program का headquarter कहाँ है? New York में, Washington DC में, Nairobi में या Geneva में? Anybody, please. कोई आंसर कर दो, यूएनईपी का हेडक्वार्टर का। आई नो इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट एंड इट इज अ गूगली, सो चांसेस आर देयर दैट पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड। ओके सो पीपल आर राइटिंग ए, अरेंद्र सिंह, अरे इतना बार ए लिखनी होती, एक बार में मैं पहचान लूंगा। यस, सम पीपल आर राइटिंग डी, एंड सेजल पांड्या इज, सेजल पांड्या हैज गिवन मी द राइट आंसर, आई हैव गॉट ओनली वन राइट आंसर फ्रॉम सेजल, एंड सी इज द राइट आंसर, नैरोबी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, एंड सहला हैज ऑल्सो गिवन मी द राइट आंसर, and Abhinav Manchanda has also given me the right answer. Nairobi is the right answer. It is in Kenya. ठीक है, so people think कि sir headquarter generally New York में होता है, Washington DC में होता है, Geneva में होता है, sir Nairobi में कब से headquarter होता है? Yes sir, that is why I have asked this question. You are seeing it, UNEP's headquarter is in Nairobi, Kenya. So this is India, this is African continent, right? और यहाँ देखोगे, this is a country called as Kenya. The capital city of Kenya is Nairobi. So, Kenya का कैपिटल नैरोबी है, वहां यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ धोखा हो गया सिद्धार्थ इज राइटिंग सर, धोखा हो गया। यस, द क्वेश्चन नंबर 4 सेज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑन 15th जून, 5th जून, 15th जुलाई या 5th जुलाई। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 15 जून को, 5 जून को, 15 जुलाई को या 5 जुलाई को। एनीबडी? हाँ सर, कंफ्यूजन हो जाती सारा बस। यस आई कैन अंडरस्टैंड, यस संगीत, आकांक्षा कुमारी, वंशिका, आकांक्षा कुमारी, यस यू ऑल आर राइट, एकता बगोर, यस आफरीन, यस राइट, 5th जून इज द राइट आंसर, सागर, प्रतिभा सिंह, सबको सही हो जिन्होंने बी कहा, रईस वाल, यू ऑल आर राइट, दिव्यानी, सबका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, सो बी इज द राइट आंसर। देखो, दिस इज फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट, 5th जून इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021। ओके, एंड एवरी ईयर डिफरेंट कंट्री आर गिवन, यू कैन से टू सेलिब्रेट इट, सो दिस ईयर इट विल बी होस्टेड बाई पाकिस्तान, ठीक है, यू शुड रिमेंबर इट, यू कैन सी हियर फ्रॉम यूएनईपी वेबसाइट, पाकिस्तान टू होस्ट World Environment Day 2021. And please remember the theme. Please remember the theme this year. The theme of this year is Ecosystem Restoration. Likha hua hai? This year it will be hosted by Pakistan. This World Environment Day. And Ecosystem Restoration is the theme. Right? So yes, this was all about today's class. And we are having a mock test analysis course for CLAT 2021 and other law entrance exam. And we are having a batch 4 booster crash course for this year, CLAT 2021. And current affairs and legal revision batch course we have got. Batch 2, what we call it as. And for if you are attempting any other law exam like BHU, Jamia, 2021, we are having crash courses. And for CLAT 2021, if you are in class 11th, you are trying for the next year. You are 12th, you are target for the next year. We are having batches for that also. And for 2023, अगर आप क्लास 10th में हो या 11th में, you are planning 2 years later. Okay, we are having a foundation batch. The earlier you start, the better is for you, right? Yes, this is the case. For 2021, we are having 4 months. For 2022, 14 months. And for 2023, 24 months courses. Fine.
And if you have any query, you can call on this number, WhatsApp on this number. And these two have the numbers with which you can call. Yes, please like the session, share with the people, and subscribe to the channel. Everybody. Okay, please like the session. Okay, so this was all about today's class. And thanks for watching. I hope you would have, if you have not watched the video completely, please watch the entire video. It is very, very important. So thanks for watching. Thank you, Sangeet. Thank you, everyone. Madhuri, Priyanka, Sara, thank you.